पांच दिवसीय योग शिविर के कार्यक्रम के आयोजनकर्ता और भगीरथ प्रयास करने वाले आदरणीय हम सुदामा जी को एक बार पतंजलि योगपीठ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं इस विराट कार्यक्रम को अपने गांव में आयोजित किए और हमारे मध्य में मंच पे आसीन है भोजपुर जिले के हमारे संगठन किसान सेवा समिति के भोजपुर जिले के प्रभारी और बहुत ही कर्मठ लगनशील और कुशासी आदरणीय उमा शंकर जी को भी मैं एक बार प्रणाम करता हूँ कि अपने जीवन को योग की सेवा में समर्पित करते हुए भोजपुर जिले को हम लोग निरोग बनाने का जो सपना देखा है वह चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है और वह दिन दूर नहीं जब भोजपुर के एक एक लोग ये कहें कि डॉक्टर का मुंह देखे हुए हमें तो 10 बरस हो गया, अस्पताल का दर्शन किए हुए हमें 20 बरस हो गया। ये है कृष्ण और राम की परंपराएं, ये है हमारे पूर्वजों और हमारे पुरखों की विरासत। इस विरासत को हमें फिर से जगाना है और इस विरासत को जब हम फैलाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां भी यानी जन्म लेने वाले छोटे छोटे बच्चे ही योगी पैदा होंगे, उन्हें योग सिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, जन्म लेते ही वह योग करेगा, अनुलोम विलोम करेगा, कपालभाति करेगा, भस्त्रिका तो हम लोग करके ही जीवन को शुरुआत करते हैं। तो आइए हम लोग अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, सबकी आंखें बंद हो और ये दाहिनी अंगूठे को दाहिने नाक पे रखेंगे, बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरिए, फिर बाएं नासिका को बीच की दो मध्य उंगली से बंद कर लीजिए और दाहिना अंगूठा हटाकर धीरे धीरे दाहिने नासिका से प्राणवायु को बाहर करिए, फिर दाहिने नासिका से सांस को भरिए, फिर दाहिने को बंद करके बाएं से छोड़ दीजिए। अब आइए मिलकर का अभ्यास कर लेते हैं। धीरे धीरे प्राणवायु को चदरिया धीनी रे धीनी, लंबे घरे सांसों के साथ अपने जीवन रूपी चादर की महिमा परमात्मा ने कितना मेहनत करके इस जीवन रूपी चादर की बुनाई की है। इड़ा पिंगला की ताना भरे सुख मन तार से दीनी चदरिया धीनी रे धीनी। ये जब हम सांस प्रश्वास की क्रियाओं को करते हैं यानी कीड़ा यानी ताना, पिंगला यानी भरने, यानी बाएं नासिका से जब सांस लेते हैं तो ताना का काम करता है और बाएं नासिका से जब सांस भर के जब दाहिने से प्रश्वास करते हैं तो भरने यानी ताना भरने के लगातार अभ्यास करने से ये जीवन रूपी चादर की बुनाई यानी यह जीवन हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहता है, जीवन चक्र चलते रहता है। अब जो व्यक्ति जितना सजग होकर के सांस प्रश्वास की क्रियाओं को करेगा, जितना ध्यान पूर्वक इस अभ्यास को करेगा तो उसके मन में विचार आएगा कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। लंबे गहरे सांस भरते रहिए। किसने है परमेश्वर तेरा, किसने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं न पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सांस भरते रहिए, खूब सांस भरे, ऐसा लगे कि जीवन में पहली बार हम इतना प्राणवायु को अंदर और बाहर कर रहे हैं। सांस जब अंदर ले जाते हैं तो जीवन, सांस को जब बाहर छोड़ते हैं तो मृत्यु, यानी जीवन मृत्यु का चक्र लगातार चल रहा है एक एक पल में।
सांसों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहां पर। लगातार अभ्यास, ऐसा अभ्यास यदि करते रहते हैं यदि 15 मिनट तक, तो पांचवें दिन से हाई ब्लड प्रेशर बिना दवा का ठीक हो जाता है 100%, कोई शंका नहीं। जिनको माथा में दर्द है, जिनको माइग्रेन है, अधकपारी है, लड़ाई झगड़ा तनाव अनिद्रा के शिकार है, हार्ट की समस्या है, हाथ की बीमारी है, सांसों की समस्या है, ब्रेन हेमरेज से लेकर के लकवा की बीमारी, घुटने में दर्द, कमर दर्द हो, गैस कब्ज से लेकर के कैंसर जैसे भयंकर समस्याओं को भी हम अनुलोम विलोम के मात्र 15 मिनट के अभ्यास से दूर कर सकते हैं। केवल अभ्यास करते रहिए और अपने कर्मों पर भी ध्यान लगाइए कि कल हमने आपको कुछ समझाया था, बताया था कि जब यहाँ से जाए तो 24 घंटा तक यहाँ आने तक, यानी दिन में और रात भी आपका शुभ में व्यतीत हो। क्रोध नहीं करना है, तनाव नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, मन में कोई गलत विचार भी उत्पन्न करना नहीं है, करने की तो बात दूर है। इंद्रियों की कोई दोष नहीं है, दोष हमारे विचारों का है। हाँ, सभी उठता है जब मन में विचार आता है उसको मारना है या उसकी सेवा करनी है, इसलिए हमें अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अपने हृदय को प्यार बनाते हुए, अपने कर्मों को सीधे करते हुए, बाहर के साथ लेना ये माया बनकर के दाहिने में छोड़ना, फिर दाहिने नाक के साथ भरना, फिर दाहिने नासिका को बंद करके बाएं नासिका से धीरे धीरे प्राणवायु बाहर करना, ये हुआ अनुलोम विलोम करने का अभ्यास। अनुलोम विलोम करने से हमें कौन कौन बीमारियों में फायदा, और अनुलोम विलोम करने से शारीरिक और मानसिक बीमारियों से सरल, यानी हमेशा के लिए मुक्ति।